इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर 6 तारीख को नतीजे जाहिर हुए, बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे रहे। जिस तरह से तवक्को की जा रही थी उससे बरक्स अगर नतीजों को कहा जाए तो गलत ना होगा। लिहाजा इत्तेहाद न्यूज़ ने जिस तरह से एक एग्जिट पोल का कयास लगाया था, तकरीबन उसी तरह से जो है उर्दू वार्डों की जीत सामने आई है। अब भाजपा हुकूमत इख्तदार पर जाने की कोशिश कर रही है और हो सकता है कि वह इख्तदार, क्योंकि बहुत सारी सीटें भाजपा ने जीते हैं तो कांग्रेस कई सारी जगह पर हार चुकी है। लेकिन उर्दू सीटों का जीतना ये भी एक नई शुरुआत कह सकते हैं। इस बार एक शुरुआत और एक हुई है कि यमायम ने एक सीट 18 नंबर वार्ड से शाहिद पठान ने जीत ली है। लिहाजा एक नंबर, दो नंबर वार्ड, कुल मिलाकर उर्दू उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। हम अभी फ़िलहाल बीके मॉडल के याते में यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी काउंटिंग शुरू है। अभी भी एक दो आ सकते हैं, इसे उम्मीद तवक्को कर सकते हैं, लेकिन जो भी नतीजे आए हैं यकीनन चौंकाने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि जिस कदर उर्दू वार्डों में जीत दर्ज की गई है ये भी एक काबिले तवज्जो बात है। देखते हैं कि आगे इख्तदार कौन, मेयर और डिप्टी मेयर भी कौन होता है, इस पर सभी की नज़र लगी हुई है। आइए तफसीलात के साथ देखते हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है वार्डों में, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वार्ड नंबर 2 के मुजम्मिल डोनी साहब, उन्होंने अपनी एक तारीखी जीत कायम की हुई। तीसरी मरतबा मुस्तकिल वो 1600 से ज़ायद वोटों से जीत कर आए हैं। यहाँ पर हड़ैया समाज की जानिब से उनका जो है जश्न मनाया जा रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, कामयाबी का जश्न में वो शरीक हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे वार्ड नंबर के 2 की जितनी भी जनता है मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके साथ में जितने भी जमात और यहाँ का हमारा जो समाज है उन्होंने मुझे को बहुत सपोर्ट किया है। जैसे कि
आपके मालूमात के लिए मैं बोलूं कि एससी कास्ट का बीजेपी कैंडिडेट रहने के बावजूद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज लोग बोलते हैं कि बेलगाम के अंदर जातिवती कास्ट कम्युनल है करके बोल के। अगर बेलगाम के अंदर अगर एकता सीखना है तो काकती वेस चंबारवाड़ा से सीखना चाहिए। मेरे वार्ड के जनता को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसा मोहब्बत से आपने मुझे जिताया है, इंशाल्लाह आने वाले 5 साल मैं इससे अच्छा काम करके दिखाऊंगा। हमारा मतलब ये था कि धोनी साहब जो है वो हैट्रिक लगाना है, और मेन हमारा यही था। वो उस टाइम मतलब कोई पार्टी बाजी कुछ हो ही नहीं थी, लेकिन इंडिविजुअल जैसे पहले बैठते थे ना, उसी तरह से बैठा, उसी वक्त हमने उनको सपोर्ट किया हुआ है और उसी टाइम हमने बोर्ड के ऊपर लिख दिया था। उसके बाद पार्टी हुआ, लेकिन पार्टी के बाद वो कांग्रेस में गए। लकीली क्या हुआ, हमारी मतलब बाप दादा के जमाने से ये गली के जो है हमारे कांग्रेस के ही है। आम्ही गली त्यांना कधी सोडू शकत नाही दोन्ही सरांना, आणि आमचा होट कधी पण गलीचा काँग्रेसलाच पडणार। आणि हे तर आम्ही आत्ताच नव्हे, ह्याच्या पुढं पण त्यांनी बसलं तर आम्ही त्यांनाच सपोर्ट करणार। हे आम्ही त्यांना धन्यवाद करतो, कॉंग्रॅच्युलेशन दोन्ही सर। कि मैं 3 बार करके छोड़ने वाला हूँ, ये बार तो हैट्रिक करो, लेकिन तीसरी बार नहीं, उनको मैं कल ही बोला था, तीसरी बार नहीं मुझे भाई, चौथी बार भी आप ही बैठ रहे हो और आप ही आ रहे हो करके, और उनको ही लाना है चौथी बार भी। वार्ड नंबर 2 के तमाम बुजुर्गों, भाइयों, वोटर्स, खवातीन हाजरात, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वार्ड नंबर 2 के तमाम लोग, जितने भी वोटर्स हैं वार्ड नंबर 2 के, जिसमें सबसे पहले मुजम्मिल धोनी को हैट्रिक कराने का मौका चंबार गली के मंडल वालों ने पहले डिक्लेरेशन किया और बोर्ड पर नाम लिखाया। इनका पहला ताउन मुजम्मिल को, जो हमारी जमात से पहले डिक्लेरेशन हो चुका था हैट्रिक का, इसलिए मैं इन जमात वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा, पहले इन जमात वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ पर मैक्सिमम वोट जो है सुनील चंदू जी को, वी आर वेरी थैंकफुल टू द पीपल ऑफ द होल गली इटसेल्फ, एंड अल्लाह का एहसान है, करम है, इस जीत का जश्न जो है वो सुनील संगोली के साथ आज मनाएंगे हम लोग सब मिलकर। ऑल द बेस्ट, एंड यहाँ से कांग्रेस की जीत जो है वो इंशाल्लाह पक्की है। पहली मरतबा पार्टी के निशान पर बल्दी इंतखाबात लड़े गए, लिहाजा एमआईएम ने यहाँ पर एक ओपनिंग की है। शाहिद पठान ने यहाँ पर एक शानदार जीत हासिल की है, हमारे साथ मौजूद हैं और जिम्मेदार भी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस कामयाबी के लिए, बताइए कि आप आगे क्या करना चाहिए। मैं सुभाष नगर वार्ड नंबर 18, नेहरू नगर, अयोध्या नगर, रामनगर के आवाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझ पर भरोसा किया और मुझे अच्छे वोटों से कामयाब किया। मैं उनकी उम्मीदों को कभी नाराज़ नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह कल से फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर उनके जो भी मसले हमारे वार्ड के हैं उनके पीछे मैं लगकर जल्द से जल्द पूरे मसलों को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। मैंने बेलगाम के पूरे आवाम को, पूरे अपने मजलिस के कारकुनों को, जमात के जिम्मेदारों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके सुभाष नगर के ज़िम्मेदार और जमात के ज़िम्मेदार नौजवान, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को यहाँ पे उन्होंने कामयाबी हासिल की, हमारा परचम लहराया। पूरे बेलगाम के अंदर एक उम्मीद थी कि हमने 6 सीटों के ऊपर हमने लड़ाई लड़ी और उम्मीद थी कि 3-4 सीट हमारे निकल आएंगे, लेकिन एक शुरुआत थी, एक डर का माहौल था, वो डर के माहौल से बाहर आए लोग, और वही सबसे बड़ी कामयाबी है जो लोगों ने अपना दिल से डर निकाला और मजलिस को कामयाबी किया। और एक सबसे बड़ी खुशी की एक बात है कि महानगर पालिका के इतिहास के अंदर इस बार पहली बार कसीर तादाद के अंदर मुसलमानों ने जीत हासिल की है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमने भी 2 बार कॉरपोरेशन में थे कि हम कॉरपोरेशन के हालात को मैं देख चुका हूँ, और इस बार भले अलग अलग पार्टी से आए हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जीत मुसलमानों की हुई है। मैं सभी जितने भी मुसलमान नौजवानों को जिताने में जो मेहनत की है उन लोगों का सबसे मैं दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं, और ये मजलिस पार्टी को जिताने में जितने भी दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जो भाई है उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शाहिद खान पठान भले एक कमरी सीट आई है लेकिन कॉरपोरेशन के अंदर अपनी बेबाक मजलिस की आवाज़ को उठाएंगे, अपने मसलों को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इंशाल्लाह उनको आने वाले दिनों के अंदर
हमने गाइडेंस भी करेंगे और ये तो हमारी शुरुआत है, आने वाले दिनों में हम जल्द से जल्द सभी कामों के ऊपर हमने हल करने की कोशिश करते हुए मजलिस को यहाँ पे कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं तमाम बेलगाम के वोटर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको कामयाबी एक सीट पर कामयाबी हासिल कराई, और जिन जिन वार्डों में हमने लड़ा और हमको कामयाबी ना मिली वहाँ पर भी हम अपने वोटर्स से उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं और कहना ये चाहते हैं कि बस आप मायूस ना होइए, ये बस हमारी शुरुआत है अभी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम साथ में मिलकर काम करेंगे और मजलिस को इंशाल्लाह ताला मजबूत बनाएंगे। वार्ड नंबर 12 में कई सारे जाने माने चेहरे थे और यहाँ से कई सारे उम्मीदवार खड़े थे, लिहाजा बाबा जान मतवाले ने यहाँ पर बाजी मारी है। सर आपकी ये जीत भी एक तारीख की रही, अब बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आगे आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए? पहला तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे यंग कमेटी जो बुज़ुर्ग लोग हमारे जो काम करे एकजुट होकर काम करे उसका तो पहला मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाद में जो डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट मेरे बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे होता ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके लोगों का दिल जिताने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सभी वार्ड नंबर 20 के जमात और ओल्ड गांधी नगर जमात, आज़ाद नगर जमात, सभी लोगों का मेरे ऊपर भरोसा करके जो जिताए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी बच्चे हैं हमारे यंग लड़के हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बार ये कांग्रेस से टिकट मिली और मैं वार्ड नंबर 11 से कॉन्टेस्ट किया। मैं सभी वार्ड नंबर 11 के सभी जातियों को मैं धन्यवाद पेश करता हूँ। सभी समाज का, सभी जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास जी इंडिपेंडेंट ऑटो रिक्शा क्या, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जकरिया मस्जिद, फैज़ मस्जिद, गणपति मंडल, ये जो भी समाज मेरे को SC समाज है हमारा, PK क्वार्टर्स, ये सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा है उनका जो कि मेरे को जीता के लाए, मेरी मम्मी को। मम्मी का नाम जरीना फतेह खान। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।